मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक स्कूल को धमकी भरा खत मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस खत में 26 जनवरी को प्रधानमंत्री व कई जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने पत्र को जब्त कर लिया है और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। जिले के खालवा थाना क्षेत्र के ग्राम पटाजन में एक स्कूल में 28 दिसंबर को धमकी भरा खत मिला था। यह पूरा मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी स्कूल के प्राचार्य ने दी है, जिसमें बताया गया कि स्कूल कर्मचारी ने जब मेन गेट खोला तो एक खत मिला था। वह खत कर्मचारी ने मुझे लाकर दिया। मैंने जब खत को देखा तो उस पर सबसे पहले अल्लाहु अकबर लिखा था। साथ ही इस खत में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के साथ ही खंडवा शहर में भी धमाके का जिक्र किया गया। इसमें आतंकी संगठन ISIS का भी जिक्र किया गया है। मैंने इस खत की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस आई और उस खत को ले गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SP वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टि में छात्र और प्राचार्य व स्कूल टीचर के बीच का ही विवाद प्रतीत हो रहा है। वहीं चिट्ठी में प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया है, परंतु अभी कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर जांच कर रहे हैं। 28 तारीख को लेटर मिला था सवेरे 9 बजे, जब पीयून हमारा स्कूल खोलने के लिए पहुंचा तो ताले में लगा हुआ था ये पत्र, और इस पत्र की जानकारी पुलिस अधिकारी को दी गई और हमारे विभागीय अधिकारी को भी दी गई है, और पुलिस अपने हिसाब से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सर अभी तक इस मामले में FIR दर्ज हो गई है? FIR 28 तारीख को ही करवा दी थी सर मैंने। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ आपको बताया गया है? नहीं, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी उन लोगों को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। क्या था सर उस पत्र में, पूरा विवरण क्या लिखा? पत्र के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, पत्र जैसा मिला था वैसा पुलिस को सौंप दिया था। सर क्या परिचय आपका? मैं सुनील कुमार जैन, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना।